अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। और बस यहाँ सुबह का टाइम हो रहा है, मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए नाश्ता। और मैंने जल्दी से नाश्ता कर लिया था उठ के, क्योंकि मैं जल्दी उठ गई थी। और मैंने जल्दी से अपना ऑमलेट बनाया और फिर बस ब्रेड और चाय, यही मेरा रोज़ाना का नाश्ता होता है, क्योंकि मुझे यही पसंद है। एग वाइट ओनली, सिर्फ एग वाइट खाती हूँ मैं, और एक ब्रेड का स्लाइस, और फिर चाय, वो भी मैं अब चीनी के बगैर लेने लगी हूँ। पहले मैं ब्राउन शुगर यूज़ कर लेती थी, लेकिन अब मैंने वो भी स्किप कर दी है, और बस अब बग़ैर चीनी के मैं चाय लेती हूँ। तो खैर, यहाँ जैसे ही मैं नाश्ता करके उठी, मेरी बेटी उठ गई थी, और मैंने फ्रिज में देखा, ना तो ब्रेड थी, क्योंकि एक ही ब्रेड स्लाइस था जो कि मैंने खा लिया था, और ना तो आटा गूंदा हुआ था। तो फिर इसलिए मैंने उनको ऑमलेट वगैरह नहीं बनाया। मैंने कहा चलो मैं पैनकेक्स जल्दी से रेडी कर देती हूँ, पैनकेक्स खा लेंगे ये लोग। ये पैनकेक मैंने, मुझे बहुत अच्छा आता है बनाना, पैनकेक बनाना, लेकिन ये जो सिंपल वाले पैनकेक्स होते हैं ना, ये मुझसे नहीं बनते। तो ये मैं पैकेट वाला यूज़ करती हूँ, बैटी क्रॉकर का, जो कि बहुत अच्छा बनता है, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। वो कहते हैं मम्मा शुक्र आपने अपनी रेसिपी से नहीं बनाया, वो हमें पसंद नहीं आते। जो सिंपल पैनकेक्स होते हैं, बनाने का पैनकेक उनको अच्छा लगता है, वो मैं अक्सर बना देती हूँ इन लोगों को। तो खैर, यहाँ सिंपल पैनकेक्स बना रही हूँ उन लोगों के लिए। दोनों अभी सो रहे थे, दोनों छोटे, और ये बड़ी बेटी उठ गई थी, तो बस मैंने इसको रेडी करके दे दिया। और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों के ये भी क्वेश्चंस आते हैं कि स्कूल कब ओपन होंगे, ओपन हो गए कि नहीं हो गए। नहीं, अभी स्कूल नहीं खुले हैं, लेकिन यही सुनने में आ रहा है, इनकी टीचर्स कहती हैं कि स्कूल जल्दी ही खुल जाएंगे। अब देखें कब खुलते हैं, लेकिन जो ओमान के स्कूल्स हैं, जो ओमानी इनके गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वो तो शायद खुल गए, वो खुल गए, लेकिन जो प्राइवेट, जो और बाकी स्कूल्स हैं, इंटरनेशनल स्कूल्स, वो अभी नहीं खुले हैं यहाँ। तो खैर, ये भी इंशाल्लाह खुल जाएंगे नेक्स्ट ईयर तक, जनवरी तक, क्योंकि अब तो बच्चों के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाएंगे। एग्ज़ाम्स के बाद जनवरी में जब न्यू क्लासेस स्टार्ट होंगी, शायद तभी स्कूल खुलें। और लास्ट जो वीडियो मैंने अपलोड की थी, सब कुकवेयर सेट और एयर फ्रायर के प्राइस पूछ रहे थे, तो उसके प्राइस मैं बता चुकी हूँ। एयर फ्रायर मेरा था 17 ओमानी रियाल का, और कुकवेयर सेट था 20 ओमानी रियाल का। ये कैरीफोर में, सूर के कैरीफोर में ऑफ़र लगी हुई है, और बहुत सारी मशीनरी पर भी ऑफ़र है, आप लोग ज़रूर विज़िट करिएगा। तो खैर, ये ग्रॉसरी हॉल छोटा सा मैं दे रही हूँ, क्योंकि मुझे ग्रॉसरी हॉल देना अच्छा लगता है, उससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। मैं ख़ुद भी लोगों की वीडियोज़ में ग्रॉसरी हॉल बड़े शौक से देखती हूँ। तो खैर, ये कुछ दालें हैं जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं शाही के प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि मैं स्टार्ट से ही यूज़ करती हुई आई हूँ और कोई यूज़ नहीं किया, तो इसलिए बस इन्हीं की आदत हो गई है। बाकी चिकन क्यूब्स हैं और ब्रेड क्रम्स हैं और मैगी, मैगी मैं अपने लिए लाती हूँ, मैं बच्चों को नहीं देती, क्योंकि मैगी जब मैं खाती हूँ, जब मुझे रात को भूख लगती है, या फिर जब कोई सब्ज़ी बनी हुई होती है, क्योंकि मैं सब्ज़ी बिल्कुल नहीं खाती, बच्चों की वजह से मैं बनाती ज़रूर हूँ। मैक्रोनी है और ये कुछ गमीज़ हैं, जेलीज़, ये भी मैं अपने लिए लाई हूँ, बच्चों को ये चीज़ें मैं नहीं देती। टॉफ़ीज़ और ये जेलीज़, लॉलीपॉप्स, ये चीज़ें नहीं देती। बाकी वो बिस्किट, वेफ़र्स और चॉकलेट्स थोड़ी बहुत मैं देती हूँ, इतनी इतना मीठा मैं उनको अवॉइड करती हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, मैंने नोट किया है। तो इसलिए मैं जंक फूड बहुत ही कम देती हूँ। बाकी जेलीज़ हैं और ये प्लास्टिक रैप है, और बाकी मैदा है, मैदा मैं अलखरीफ़ का लेकर आई हूँ, कभी अलखरीफ़ और कभी जाबी आटा मैदा लेकर आती हूँ। और ये है हर्शीज़ का कोको, इसमें कैडबरी भी आता है, कभी कैडबरी ले आती हूँ तो कभी हर्शीज़ ले आती हूँ, जो भी अवेलेबल होता है। बाकी ये रेडिश हैं, और ये सैलड वग़ैरह के लिए लेकर आई हूँ, और बस ये बहुत अच्छी होती हैं, स्वीट सी होती हैं, बहुत अच्छा लगता है सैलड में। बाकी ये फ्रेंच ब्रेड है, क्योंकि अक्सर मेरे बच्चों को गार्लिक ब्रेड बहुत पसंद है, तो मैं गार्लिक ब्रेड उन्हें बनाकर देती हूँ। बाकी ये टूना फिश है, जो कि टिन में है, ये मैंने कभी यूज़ नहीं किया, फ़र्स्ट टाइम लेकर आई हूँ हस्बैंड की वजह से सैलड में यूज़ करने के लिए। बाकी ये एलमंड्स हैं, और ये देखिए कॉर्न्स हैं, ये सिंपल खाली कॉर्न्स हैं, इसके ऊपर आप आइसक्रीम स्कूप डालें और फिर बच्चों को दें, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। तो ये मैं लेकर आई थी, ये लूलू में है, 28 इसमें पीसेज होते हैं, और अच्छा लगता है कि आराम से आप इसमें डालें और खाएँ। तो खैर, ये है टोमेटो पेस्ट, जो कि मैं घर में, मैं पिज़्ज़ा सॉस मैं ख़ुद बनाती हूँ, मुझे रेडीमेड पसंद नहीं आती। हाँ, रेडीमेड में लेती हूँ, इसमें मिक्स कर देती हूँ, तो ये अच्छी चटपटी सॉस बन जाती है। हॉट सॉस है, और ये सनस्क्रीन है, ये मैं यूज़ करती हूँ नीविया की, और बाकी है वैसलीन, ये
बॉडी लोशन है। बाकी ये है केवरा वाटर जो कि मैं बिरयानी और पुलाव में ही यूज़ करती हूँ। बाकी कोरमा वगैरह के लिए मैं पैकेट यूज़ करती हूँ, कभी यूज़ नहीं किया मैंने घर के मसालों से। बाकी असील घी है जो कि बच्चों के लिए लाती हूँ, बटर घी, इसमें वेजिटेबल घी भी आता है लेकिन मैं बटर घी लेती हूँ बच्चों के लिए। और ये देखिए मुझे लूलू से पापड़ मिल गए हैं, रिंग्स पापड़, और कभी मैंने देखे नहीं है, बहुत रमज़ानों में कभी आते हैं तो वो फ़ौरन ही ख़त्म हो जाते हैं, तो इस बार मुझे मिल गए, मैंने फ़ौरन ले लिए। तो खैर ये मायोनीज़ है, और बाकी ये है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल का मैं टिन लेकर आती हूँ क्योंकि जब मैं फ़्रेश पाइनएप्पल लाती हूँ एक दिन में ही ख़राब हो जाता है, तो खैर टिन ज़्यादा दिन चल जाता है सैलड वग़ैरह के लिए। बाकी पुलाव बिरयानी मसाला मैं मेहरान का इस बार लेकर आई हूँ, और ये शान के कुछ मसाले, निहारी और सिंधी बिरयानी, तो बस ये मैं मसाले शान के लेकर आई हूँ। और ये है पास्ता, जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मोटा पास्ता जो मोटी वो होते हैं तो वो कहाँ से मिलते हैं नूडल्स, तो वो ये वाले गुडी के नूडल्स यूज़ करें, वो ये काफ़ी मोटे होते हैं और अच्छे भी होते हैं। बाकी ये ब्रोस मसाला जो कि मैं ये वाला यूज़ करती हूँ लूलू ब्रांड का, और ये पास्ता ज़ारा का पास्ता है जो कि अक्सर वाइट सॉस पास्ता मैं बनाती हूँ इससे, पास्ता ज़ारा का। ये है चिली गार्लिक सॉस, और ये टोमेटो केचप का क्रेट है क्योंकि बच्चों को केचप बहुत पसंद होता है, हर चीज़ में वो केचप खाना चाहते हैं। तो खैर ये हर्शीज़ का सीरप है, इससे पहले मैं अमेरिकन गार्डन का लाई थी जो कि बहुत ही अजीब सा था, अच्छा टेस्ट नहीं था। बाकी ये है सैलड ड्रेसिंग के लिए थाउजेंड आइलैंड सॉस लाई हूँ, और ये बैटी क्रॉकर का पैन केक मिक्स लाई हूँ। बैटी क्रॉकर के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, इनका केक मिक्स वगैरह भी बहुत अच्छा होता है। बाकी ये है सीरियल्स जो कि बच्चे खाते हैं इवनिंग में, और ये जार्स हैं, ये मैं लेकर आई थी क्योंकि मेरे मेरे लास्ट वाले जार्स टूट चुके थे, और ये चीज़ें मुझे से ही टूटती हैं क्योंकि जो है ना जब मैं धो रही होती हूँ तब कभी प्लेट टूट जाती है, तो कभी बाउल, तो कभी ग्लास, ऐसा होता रहता है मेरे साथ। बाकी सोया सॉस है, ओस्टर सॉस है, और पिंक सॉल्ट है, और बस अब मैं वाइट सॉल्ट से आ गई हूँ पिंक सॉल्ट पे। ये भी लूलू में है अवेलेबल, हिमालयन पिंक सॉल्ट, जो नेजू का है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, ये वाला मुझे अच्छे प्राइस में मिल गया था। बाकी ऑलिव ऑयल है, ये भी सैलड ड्रेसिंग के लिए लेकर आई हूँ, ये बेसिल फ्लेवर है, ये मुझे अच्छा लगा था, मैंने कहा बेसिल फ्लेवर अच्छा होगा सैलड वगैरह के लिए, इस तरह से ओपन होता है इसके अंदर इसका कवर है, तो इस ये मैं लेकर आई थी बेसिल फ्लेवर में एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल सैलड ड्रेसिंग के लिए कि अच्छा टेस्ट आए सैलड में भी। तो खैर बाकी ऑयल था नूर का, ऑयल ऑफ़र में था, अक्सर नूर या आफिया का यूज़ करती हूँ ऑयल। बाकी ये है चिप्स जो कि बच्चों के लिए हैं, फिंस के अच्छे होते हैं, या कभी ये ले आती हूँ, कभी ओमान चिप्स ले आती हूँ, या कभी रिपल क्रंच, ये तीनों जो है ना बच्चों को पसंद होते हैं ज़्यादातर। बाकी है टॉर्टिला रैप्स हैं, ये अक्सर रोल वगैरह बना के मैं दे देती हूँ। बाकी मोज़रेला चीज़ है, ये भी ऑफ़र में होती है, और ये है लो फैट चीज़ जो कि हस्बैंड के लिए है, 1.5% फैट है ये, और बाकी ये बच्चों के लिए है। मुझे तो चीज़ स्लाइस बिल्कुल पसंद नहीं होते, ना तो बर्गर में ना सैंडविचेस में, मैं बिल्कुल नहीं खाती चीज़ स्लाइस। मोज़रेला चीज़ वैसे पसंद है पिज़्ज़ा वगैरह में, लेकिन इस तरह की चीज़ स्लाइसेस नहीं पसंद। तो खैर ये देखिए मैं अब मैंने चिकन मैरिनेट करके रख दी थी, और अपने एयर फ्रायर को मैंने 20 मिनट्स पर सेट किया, 180 डिग्री पर सेट किया, और अब मैं चिकन ब्रोस्ट चिकन फ्राई बना रही हूँ, और उसको मैंने सिंपल मसालों में बनाया था, अंडा, नमक, मैदा, सोया सॉस, काली मिर्च और कॉर्नफ्लोर, इन चीज़ों में मैंने मैरिनेट करके रख दिया था। और ये देखिए आज मैं एयर फ्रायर का इफ्तिताह कर रही हूँ, और इसमें मैंने चिकन यूँ कर, इसमें मैंने बिल्कुल भी ऑयल ऐड नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया, ऊपर से मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला ऑयल, और ये मेरे पास कहीं रखने की जगह नहीं थी इसलिए मैं एयर फ्रायर ले ही नहीं रही थी, क्योंकि किचन में कहीं भी जो है ना इसकी तार कनेक्ट नहीं हो रही थी। तो खैर यहाँ पर मैंने रखा कि जब यूज़ करना हो तो लाउंज में रख लो, और फिर और ये देखिए मैं बड़े मज़े की सॉस बना रही हूँ, इसमें मैंने विनेगर ऐड किया है 2-3 टेबल स्पून, 2 टीस्पून मैंने ब्राउन शुगर ऐड की है, और थोड़ा सा कोरिएंडर लीव, धनिया के पत्ते ऐड कर देंगे, इसको मिक्स कर देंगे, जब हमारी चिकन फुली कुक्ड हो जाएगी ना फिर इसकी कोटिंग करेंगे इसके ऊपर, और फिर 5 मिनट के लिए हम दोबारा रखेंगे उसको कुकोने, तो बहुत मज़े का टेस्ट आया था। आप लोग ये वाली कोटिंग ज़रूर यूज़ कीजिएगा, बहुत बहुत मज़े का लगता है। तो खैर यहाँ बच्चे खेल रहे थे और मैंने इन लोगों को बता दिया था कि उसको टच नहीं करना है, क्योंकि मैंने इन लोगों को ना एक सेफ्टी रूल बताए हुए कि हमें घर में कौन से सेफ्टी रूल्स यूज़ करने चाहिए, तो इन लोगों को पता है हमें इन चीज़ों को टच नहीं करना इलेक्ट्रिकल।
चीज़ों को। तो खैर यहाँ अब मैं कोटिंग कर रही हूँ, ये देखिए चिकन हमारी फुली कुक्ड हो गई है। और इसके बाद मैंने इसको रख दिया था 5 मिनट के लिए और कुको ने, तो बहुत ही मज़े का टेस्ट आया था और लग ही नहीं रहा था कि जो है ये बग़ैर ऑयल के ये चिकन फ्राई हुई हुई है। बहुत बहुत अच्छी अच्छा टेस्ट आया था। और इसको मैंने गार्लिक राइस के साथ सर्व किया था। अक्सर मैं यही करती हूँ, ब्रोस्ट हो गई कुछ भी हो गई उसको फ्राइड राइस या गार्लिक राइस के साथ सर्व करती हूँ, अच्छा टेस्ट आ जाता है। बच्चों को भी बहुत पसंद आई और बिल्कुल भी लगा ही नहीं कि इसमें जो है ना ऑयल नहीं है, ऑयल के बग़ैर बनी है। तो मेरे ख्याल से अच्छा ही है एयरफ्रायर अगर ले लें तो। तो खैर ये थी वीडियो। और मैं इंस्टाग्राम पर 24 आवर्स ही एक्टिव रहती हूँ, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, पाकिस्तानी व्लॉगर नुमान। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।